सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मैं हूँ सौरभ साहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरी पोर्टफोलियो जो कि मैंने शांतिनिकेतन में यूज़ की थी, और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है ताकि मोस्ट इम्पैक्ट आपको पड़े। और मैं आपको सारे टिप्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक पोर्टफोलियो को अरेंज करेंगे, अपने पेंटिंग्स को चूज़ करेंगे, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल पाए। सो वेलकम टू माय वीडियो। और अभी इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा अपनी पोर्टफोलियो, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी पोर्टफोलियो को आप रेडी करेंगे और किस तरीके की पेंटिंग सबसे बेस्ट होंगी किसी भी कॉलेज में और स्पेशली शांतिनिकेतन में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शांतिनिकेतन में एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो अभी फॉर्म निकलना स्टार्ट हो गई है, तो आप सबसे पहले उसको भर दीजिए। उसके बाद जैसे पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, तो क्योंकि इस बार भी ऑनलाइन हो रहा है हमारा एग्ज़ाम, इसलिए इस बार भी आपको शायद पोर्टफोलियो देने बोला गया होगा। साथ ही साथ आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा, और जब दोनों के मिला के मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट निकलेगा और फिर वाइवा होगा जिसके बाद सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने पेंटिंग्स को एक PDF में एक पोर्टफोलियो बना के डालना। पोर्टफोलियो का मतलब वही होता है कि आप कुछ अपनी इमेजेस को, अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा किसी कॉलेज के लिए पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सब वैरायटी रहनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी पेंटिंग्स में। बस एक ही तरीके की पेंटिंग्स मत कीजिए। कई बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते, बस वो पहले से ही पोर्ट्रेट बनाते आ रहे हैं बचपन से, तो वो क्या करते हैं बस अपनी पेंटिंग्स में पोर्ट्रेट्स ज़्यादा डाल देते हैं और कुछ डिफरेंट काइंड्स की पेंटिंग्स नहीं डालते। तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक ही काइंड के ड्राइंग वो देखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको डालनी भी है एक ही काइंड की ड्राइंग, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉम्पोजिशन आप डालें, कि उसमें आपको पोर्ट्रेट, फिगर, लैंडस्केप सब एक साथ मिलता है, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो वो लोग प्रेफर करते ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको सारे वैरायटीज़ दिखा दिए अपने पेंटिंग में क्या क्या मैंने बनाया था, तो स्टार्ट करते सबसे पहले मैं अपना वाला दिखाऊंगा, अपना जो पेंटिंग है या फिर जो पोर्टफोलियो है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा पहला वाला पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट ने मतलब कॉम्पोजिशन जो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये कॉम्पोजिशन सिंपल है काफ़ी, एक बस तीन फिगर का इसमें यूज़ किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें मैंने सबसे ज़्यादा अपने स्किल को दिखाने की कोशिश की है, साथ ही साथ अपने कॉम्पोजिशन स्किल्स को भी मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव और कलरफुल मैंने पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी, ताकि जब पहली बार में कोई मेरा पेंटिंग देखे या फिर पहली बार में ही कोई मेरा PDF खोले, तो पहली पेंटिंग ऐसी हो जिसको देख के वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो और बाकी पेंटिंग को देखने की मतलब इच्छा रखे उनके अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहला पेंटिंग आपका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और बाकी पेंटिंग से भी, क्योंकि सबसे पहले वो उसी को देखेंगे और फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको ऐसे ये रखनी है। तो ये मैंने एंड में बनाया था, ये मेरा सबसे ज़्यादा रीसेंट काम था उस टाइम का, तो इसलिए मैंने इसको भी पहले रखा और इसमें मैंने अपने पूरा 100% देना चाहा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना 100% दें। शायद आपका स्किल्स पूरे हाईएस्ट लेवल पे ना हो, लेकिन आपके कॉम्पोजिशन के थिंकिंग, आपके एक डिफरेंट स्टाइल खुद का, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका 100% मस्ट है। क्योंकि आपने थोड़ा भी छोड़ दिया तो वहाँ पर हज़ारों या 2000 लोग हैं, आपको वो क्यों सेलेक्ट करेंगे अगर आपका 100% वहाँ पर नहीं है। तो पहला इमेज ये रहा, उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट इमेज जो है वो भी एक कॉम्पोजिशन है, लेकिन जैसे कि पिछली बार था मेरा पहला वाला कॉम्पोजिशन काफ़ी एकेडमिक था, काफ़ी रियलिस्टिक मैंने करने की कोशिश की थी, लाइट एंड शेड में थोड़े डिफरेंसेस थे, थोड़ा कैरस्कुरु का यूज़ किया था। लेकिन इसमें आप जैसे देख सकते हैं ये भी एक कॉम्पोजिशन है, लेकिन इसका लेआउट बिल्कुल डिफरेंट है, इसका जो
अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कलर स्कीम्स काफ़ी डिफरेंट है, ये भी काफ़ी स्किलफुल है, लेकिन इसमें जो कलर स्कीम्स यूज़ किए गए हैं और जो कॉम्पोजिशन का मैटर है उसके उसके वजह से इसको काफ़ी डिफरेंट पेंटिंग बनाती है, इसलिए मैंने इसको सेकेंड में देने की कोशिश की। पहले तो हमने काफ़ी एक बोल्ड एक अच्छा पेंटिंग चूज़ किया, लेकिन सेकेंड में अगर हम क्वालिटी डाउन कर दें तो वो भी एक ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है, तो इसलिए हमने इस ऐसे एक पेंटिंग को चूज़ किया जो कि सिमिलर टाइप का हो, सिमिलर कॉम्पोजिशन हो, लेकिन उसमें स्किल और जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी डिफरेंट हो पिछले वाले से। तो ये हमारा सेकंड पेंटिंग था। उसके बाद हम अपने थर्ड पर जाते हैं। तो थर्ड पर जो है ये हम अपने पेंटिंग को ब्रेक कर, यानी कि दोनों जो हमने दिखाया पहले वो दोनों ही ओपेक और एक्रिलिक में किया गया एक कॉम्पोजिशन था, लेकिन जो थर्ड वाला है ये पूरी तरीके से पेन से किया गया एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्केच भी कह सकते हैं, एक पेंटिंग भी कह सकते हैं। इसमें पूरा कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर काफ़ी सारे फिगर्स है, कितने फिगर्स है मैंने खुद काउंट नहीं किया लेकिन काफ़ी सारे हैं, मोर देन 20 होंगे, तो उस टाइप के फिगर्स है, साथ में लैंडस्केप है, पूरा एक माहौल आपको दिख रहा होगा, तो उसके साथ साथ मैंने पेन से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग काम मैंने किया था, एक डिफरेंट काम मैंने किया था। तो आपको ऐसा भी करना ज़रूरी है कि आप ब्रेक करें, ज़रूरी नहीं आप पेन से करें या फिर किसी और चीज़ से करें, आपको बस ब्रेक करना है, मतलब आपको दिखाने कि आप में कितने सारे वैरायटीज़ है, आप बस एक ही काइंड के पेंटिंग्स देते रहेंगे तो वो बोरिंग लगेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के पेंटिंग यहाँ पर यूज़ करें। तो उसके बाद जो मैंने दिया, उसके पहले तीन जो पेंटिंग्स थे मेरे, वो तीनों के तीनों कॉम्पोजिशन थे जो कि मैंने ज़्यादातर अपने माइंड से किए थे, थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो रेफरेंस यूज़ किया था लेकिन मोस्टली अपने इमेजिनेशन से था, तो इसमें हमारा जो इमेजिनेशन का स्किल था वो हमें दिखा। लेकिन इसके बाद जो हमारा फोर्थ पेंटिंग आता है, तो ये एक आउटडोर लैंडस्केप है, तो इसको मैंने यहाँ पर लाइव आउटडोर किया था, तो यहाँ पर अब हम अपने लाइव आउटडोर के स्किल को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आउटडोर को करते हैं किसी भी जगह पर जाके, और उसी के अपने स्किल को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। इसके बाद यहाँ पर मेरा एंड में एक पोर्ट्रेट मैंने बनाया ताकि मैं अपना पोर्ट्रेट का स्किल दिखा सकूँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सारे टाइप के जो पेंटिंग है वो दिखाएं। मेरी स्पेशलिटी हम कहना चाहते हैं कि पोर्ट्रेट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग करते हैं, तो इसलिए पोर्ट्रेट भी हम इसको साथ में रखते हैं। तो ये हमारा 5 पेंटिंग जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था। तो उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए कि हमारा अरेंजमेंट कैसा था। मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे कैसे इसको अरेंज किया, लेकिन फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा सबसे अट्रैक्टिव और स्किलफुल पेंटिंग मैंने रखा, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने सिमिलरली क्वालिटी का लेकिन डिफरेंट इन कॉम्पोजिशन इन कलर सेंस एवरीथिंग मैंने रखा, तो जिससे कि हमारा व्यूअर अट्रैक्ट हो। उसके बाद थर्ड पेंटिंग मैंने काफ़ी डिफरेंट रखी पहले दो पेंटिंग से, ताकि एक ब्रेक क्रिएट हो, ताकि एक डिस्टेंस है अपने पेंटिंग से, फिर हम कुछ और नया कर पाए। उसके बाद लास्ट फोर्थ और फिफ्थ में मैंने अपने स्किल्स को दिखाने की कोशिश की कि मैं और किन किन स्किल्स में स्पेशलाइज करता हूँ, इसलिए पहले मैंने अपने लैंडस्केप को दिखाया, उसके साथ मैंने अपने पोर्ट्रेट को दिखाया। मैंने यहाँ पर स्टिल लाइफ ऐड नहीं किया है क्योंकि काफ़ी कम पेंटिंग्स देने का यहाँ पर जगह था, लेकिन अगर और पेंटिंग्स देने को मिलते तो मैं कुछ स्टिल लाइफ भी ऐड करता। यहाँ पर मैंने 3 कॉम्पोजिशन दिखाए हैं क्योंकि कॉम्पोजिशन में हमें काफ़ी टाइप की चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि पहले वाले ही कॉम्पोजिशन में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फिश है, बाल्टी है, वो सब भी एक स्टिल लाइफ का काम करती है, तो मैंने एक्स्ट्रा से कुछ और स्टिल लाइफ ऐड नहीं किए। आपको अगर स्टिल लाइफ पसंद है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा जो पोर्टफोलियो था, लेकिन आप कोशिश ना कीजिए कि इस तरीके की सेम आप चीज़ें बनाएं। आपका मेन गोल है काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाना। आप कोशिश कीजिए कि जितने पेंटिंग्स आप बना पाए इस टाइम फ्रेम में, आपने पहले भी बनाए होंगे कुछ पेंटिंग्स, कुछ बड़े बनाइए कुछ छोटे बनाइए, लेकिन अपना 100% देके काफ़ी सारे पेंटिंग्स बनाएं। उसके बाद जो जो आपका बेस्ट बना हो उनको आप चूज़ कीजिए और फिर उसको अरेंज कीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने बेस्ट पेंटिंग को आप अरेंज कैसे करें, क्योंकि जो आप
आपका टीचर है या फिर जो आपका जज है वो काफ़ी सारे पेंटिंग्स को देख रहे हैं, साथ साथ में वो 100, 200, 1000 उससे भी ज़्यादा शायद पेंटिंग्स को वो देख रहे हैं, पोर्टफोलियोज को वो देख रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट होने की ज़रूरत है, आपको परफेक्ट होने की कोशिश करनी है। परफेक्ट हो तो नहीं सकते, लेकिन जितना परफेक्ट आप कर सके उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है अपनी पेंटिंग्स, तो आपने पेंटिंग्स तो बना ली काफ़ी सारी डिफरेंट, लेकिन उसको अब आप अरेंज कैसे करें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं कुछ और पेंटिंग्स को अरेंज करूँगा। आपको समझ में आई गई होगी कि मैंने अपना वाला पोर्टफोलियो किस तरीके से अरेंज किया था, पहले सबसे स्ट्रॉन्ग, सेकेंड में उससे थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन फिर भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी, उसके बाद थर्ड में बिल्कुल ब्रेक कर देना मैंने पहले दो में जो किया, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में अपने डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को दिखाना। लेकिन अगर पेंटिंग्स मेरे पास डिफरेंट होती तो मैं डिफरेंट काइंड से अरेंज करता। तो चलिए देखते हैं उसको। तो फिर मैं अपने फोल्डर को खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस न्यू फोल्डर में मैंने और कुछ 5 यहाँ पर ड्राइंग्स रखी है। ये 5 मेरे पास कुछ पहले से ड्राइंग थी, उसको मैंने यहाँ पर रखा है। तो इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कौन सी ड्राइंग है। तो यहाँ पर जो कि मेरे पास ड्राइंग्स है, ये सब मैंने एग्ज़ाम में तो नहीं दिया था क्योंकि मुझे ये उतने बेटर नहीं लगे थे। मेरे पिछले ड्राइंग, मुझे पूरा सेट पिछले वाला बेटर लगा था, तो इसलिए मैंने वो सब यूज़ किया था। लेकिन आप ये सब भी अगर मेरे पास होता तो मोर देन इनफ होता। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि आप काफ़ी सारे पेंटिंग्स करके रखें, ताकि आपको बाद में डर ना हो कि मेरे पास बस 5 ही पेंटिंग है तो ये उतना अच्छे नहीं लग रहे। तो पहले ये रहा एक पोर्ट्रेट जो कि मैंने ऑयल में किया था, तो ये एक, उसके बाद ये एक लैंडस्केप है जो मैंने ओपेक मीडियम में किया था, उसके बाद ये एक एक्रेलिक का मेरे पास कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर एक स्टिल लाइफ है मेरे पास एक्रेलिक में, और उसके बाद एक पेंसिल में स्टिल लाइफ। तो पिछले बार जो मैंने दिया था 3 कॉम्पोजिशन और लैंडस्केप्स एंड पोर्ट्रेट, तो उससे काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर ओरिएंटेशन है। यहाँ पर फिर से एक पोर्ट्रेट है हमारे पास, एक हमारे पास लैंडस्केप है, कॉम्पोजिशन जस्ट एक, और फिर 2 स्टिल लाइफ। तो मैंने इसलिए इसको रखा क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ। तो अगर इस ये वाला मेरे पास होता तो अरेंजमेंट, तो हम इसको किस तरीके से अरेंज करते ताकि व्यूअर्स सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस पाए और आपके चांसेस सेलेक्ट होने के बढ़ जाए। सबसे पहले मैं अपने सबसे ज़्यादा एक स्किलफुल लेकिन पोर्ट्रेट को नहीं लूँगा, क्योंकि पोर्ट्रेट दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लेकिन पोर्ट्रेट टीचर्स उतना दिखना पसंद नहीं करते हैं जितना आपको लाइव आउटडोर या फिर कोई कॉम्पोजिशन देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड बेस्ट हमारा था, जो ये वाला था जो कि मैंने एक आउटडोर किया था, तो उसको मैं फ्रंट में रखूँगा। तो सबसे पहले हम इसको रख देंगे। सबसे पहले हमारा ये वाला इमेज रहेगा, उसके बाद हमारा जो सेकंड सबसे पहले हमारा ये वाला इमेज पहुंच गया, उसके बाद हमें देखना है कि इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करना चाहें। तो क्योंकि हमने हमारा पहला वाला दे दिया और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे और ऑप्शंस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पोर्ट्रेट हमारे पास है, लेकिन हमें लास्ट में एक काफ़ी बेटर पेंटिंग रखनी है, क्योंकि जब हमारा पेंटिंग स्टार्टिंग में और एंड में काफ़ी बढ़िया होता है ना, तो उसमें एक ओवरऑल आपको लगता है कि हमारा पेंटिंग बेस्ट है। तो इसलिए हमको स्टार्टिंग में और एंडिंग में काफ़ी बढ़िया चीज़ें रखनी है। इसमें मैंने स्टार्टिंग में भी एक बढ़िया पेंटिंग रखी, एंडिंग में भी रखी। तो उसके बाद हम सेकंड में क्या डालेंगे ये हमें समझना है। ये वाली जो मेरी पेंटिंग है, जो कॉम्पोजिशन थी मेरी, तो वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी वीक है बाकी पेंटिंग से, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं डालना चाहूँगा। मैं ये वाले जो स्टिल लाइफ मेरे पास था उसको मैं सबसे बात ये काफ़ी अच्छी है, तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड में रखने के लिए। ये मेरा सेकंड में हो गया। इसके बाद मेरा थर्ड में एक और स्टिल लाइफ ये जो था,
अभी इसको मैं थर्ड में रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये पेंसिल से बनाया हुआ एक स्टिल लाइफ है, तो यहाँ पर भी मेरा स्किल दिख रहा है लेकिन डिफरेंट एक मीडियम में एक अलग टाइप का स्किल दिख रहा है, तो इसको मैंने थर्ड में रखा। तो फर्स्ट में मेरा ये वाला लैंडस्केप, सेकंड में मेरा ये वाला स्टिल लाइफ, थर्ड में ये वाला स्टिल लाइफ, फिर मैंने एक कॉम्पोजिशन रखा था, फोर्थ वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपका कोई वीक काम हो तो आप इस जगह पर रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीक काम आप रखे ही ना अपने पेंटिंग में, अगर कोई वीक काम हो तो आप उसको बेटर करके फिर डालें की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं आपको इन केस दिखा रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा वीक काम है तो आप उसको फोर्थ में रख सकते हैं, वो थोड़ा सेफ होता है क्योंकि इसके पहले तीसरे के बाद जजेस को मतलब आप पे एक भरोसा हो जाता है कि हाँ ये अच्छा पेंटिंग करता है, तो फिर फोर्थ में उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन एंड में जो है वो आपको एक बढ़िया वाला रखना है ताकि आपका जो पेंटिंग है टोटल एक होल में जो पोर्टफोलियो है वो बेटर लगे। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले खुला हमारा ये वाला पेंटिंग, तो इससे जजेस अट्रैक्ट होंगे, उसके बाद सेकंड में आप दिखाएंगे कि आप स्टिल लाइफ में कैसा आपका स्किल है, कैसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद थर्ड में भी आप एक स्टिल लाइफ दिखाएंगे विद पेंसिल विद डिफरेंट मीडियम ताकि आप बता सकें कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद थर्ड में आपका कॉम्पोजिशन है कॉम्पोजिशन सेंस दिखाने के लिए, उसके बाद फिफ्थ में आपका एक पोर्ट्रेट। इस तरीके से मेरे पास अगर ये पांच चीज़ें होती तो मैं इसको इस तरीके से अरेंज करता। तो यही था आज का हमारा वीडियो। तो इस तरीके से आप अपने शांति निकेतन के पोर्टफोलियो को अरेंज कर सकते हैं अगर आप शांति निकेतन में एग्ज़ाम दे रहे हो। उसके बाद बड़ौदा का भी सिमिलर प्रोसेस होता है कि आपको 10 इमेजेस सबमिट करनी होती है, तो वो भी आपके अरेंज आप इस तरीके से सोच के कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पोर्टफोलियो को सबमिट करने के। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसी और वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई और डाउट्स है अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।